हेलो बच्चों, आई एम प्रिंस कौशिक। टुडे आई विल डिस्कस सिविक्स एंड इन सिविक्स द चैप्टर फर्स्ट इज पावर सेलिंग। पावर सेलिंग मीन्स सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता में साझेदारी। जो पावर्स होते हैं उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसमें जो शेयरिंग होता है, उसी को हम लोग पावर सेलिंग का नाम देते हैं। और यह डेमोक्रेसी में एक अहम भी है कि जब तक पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी प्रशासन जो है वो सुचारू रूप से, सही रूप से नहीं चल पाएगी। और इसी सत्ता को, यानी पावर्स को जो बांटने की प्रक्रिया है, हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की जो शुरुआत है, हम बेल्जियम नामक कंट्री से पढ़ते हैं कि वहां कैसे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सबसे पहले वहां एथनिक कंपोजिशन देखा गया कि वहां एथनिक कंपोजिशन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं हर कोई भी कंट्री है तो वहां किसी ना किसी जाति, धर्म, भाषा, मजहब, लैंग्वेज, अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग जातियों में, धर्म में, भाषाओं में बटे हुए होंगे। तो ठीक उसी तरीके से बेल्जियम में भी एक जो अलग ऐसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उसके बारे में आज हम जानने का काम करें। सबसे पहले हम बेल्जियम को जानते हैं कि ये बेल्जियम है कहाँ। तो बेल्जियम जो है एक यूरोप का एक छोटा सा देश है। और यह जो बेल्जियम कंट्री है, यह कहा जाए तो हरियाणा हरियाणा के जो होता है के बराबर है, और इसकी पॉपुलेशन जो है उससे आधी है। चलिए, बेल्जियम की अगर हम नॉर्थ में बात करें तो यह नीदरलैंड कंट्री है। वहीं ईस्ट में जो है वो जर्मनी है, और साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग है। अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट में तो फ्रांस है। यानी हमने बेल्जियम की पड़ोसी देशों के बारे में, नेबर्स कंट्रियों के बारे में जान लिया। अब हम बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन है उसके बारे में जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 59% यानी डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 59% है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश जो कि बेल्जियम का एक तरीके से कहें नॉर्दर्न भाग है। और वहीं 40% जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं। यानी यहाँ मेनली दो भाषा बोलने वाले हैं, 59% डच भाषा बोलने वाले और 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और 1% जो है 1% वो जर्मन भाषा बोलने वाले। जबकि इसकी जो राजधानी है यानी कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल्स। और इस ब्रुसेल्स में जो एथनिक कंपोजिशन है वो डच और फ्रेंच का ही है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो बिल्कुल अलग है। यानी वहां जो है 80% जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, जबकि 20% डच भाषा बोलने वाले हैं। यानी आपने देखा कि यहाँ डच भाषा बोलने वाले पूरे कंट्री में मेजोरिटी में है, जबकि कैपिटल उसकी राजधानी में जो है वहां फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी में। अब जो फ्रेंच थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, वो फाइनेंशियली जो होता है पावरफुल थे, पॉलिटिकली पावरफुल थे। इस वजह से जो है, और जबकि डच भाषा बोलने वाले फाइनेंशियली उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वीक थे, पॉलिटिकली वीक थे, जिसके वजह से फ्रेंच पीपल जो थे वो डच पीपल को अपने से कमजोर समझते थे, उनको एक तरीके से जो है इग्नोर किया करते थे, उन पे अपना हुक्म चलाने का काम किया करते थे। अब आपने जो है फ्रेंच जो था ये ब्रुसेल्स के एथनिक कंपोजिशन को जान लिया कि किस तरीके से डच भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत थी, फ्रेंच भाषा के बोलने वाले कितने थी, साथ ही साथ जो है उसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स में वहां किस तरीके से भाषा बोलने वाले लोग थे। अब आप हिस्ट्री को नोट कीजिए, इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे वो है एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। आपने अभी एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम को जाना था, अब हम एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे श्रीलंका है कहाँ। तो श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में लाइज करता है, और यह इंडिया के साउदर्न पार्ट में है। अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की तो यह हरियाणा के बराबर है। वहीं इसकी जो पॉपुलेशन है वह लगभग हरियाणा के बराबर है, लगभग 2 करोड़ है। तो हमने इसके बारे में जान लिया श्रीलंका है कहाँ, इसकी पॉपुलेशन कितनी, एरिया कितनी है। और हम बात करते हैं इसके एथनिक कंपोजिशन की, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हर देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, मजहब को मानने वाले लोग हैं, ठीक वैसे ही श्रीलंका में भी थे। तो श्रीलंका में आप देख रहे हैं कि 74% जो थे वो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग थे, और यह बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं।
अगर हम बात करते हैं 18% जो लोग थे वो तमिल भाषा बोलते थे, और इस 18% तमिल भाषा बोलने वालों में दो खेल में बटे हुए थे। 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे, यानी वैसे तमिल भाषा बोलने वाले जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, जबकि 5% जो थे वो इंडियन तमिल थे, जो कि इंडिया से उनके फोर फादर जो है वहां के प्लांटेशन में जो है वहां के बागानों में काम करने के लिए गए और वहीं बस गए, वहीं रहने लगे, तो उनको इंडियन तमिल कहा गया और वो तमिल भाषा बोलने का काम करते थे। उनकी परसेंटेज जो थी वो 5% थी, और यह 18% जो तमिल भाषा बोलने वाले उसमें दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म को मानने वाले थे। बात करते हैं 7% की, तो 7% जो थे वो क्रिश्चियन रिलीजन को मानते थे और वो तमिल और सिंहला दोनों ही भाषा को मानते जो होता है बोलने वाले लोग थे। यानी आपने देखा कि किस तरह जो है श्रीलंका में जो है सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग जो बोलने वाले थे वो मेजोरिटी में थे, और वहीं बाकी दूसरे जो थे वो माइनॉरिटी में थे, खासकर तमिल भाषा बोलने वाले। तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो 18% थे, जबकि क्रिश्चियन में जो है तमिल और सिन्हाला भाषा दोनों ही बोलने का काम करते थे। अब हम जो है यह जानने का काम करेंगे कि वहां जो है पावर्स का डिवाइड जो होता है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है शेयरिंग किस प्रकार किया गया, चाहे वो श्रीलंका की बात हो या हमने कुछ देर पहले जो पढ़ा बेल्जियम की, उसमें हम देखें। तो आप इस चीजों को उतारिए। आपने अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा कि एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका, अब हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है मेस्टोरिनिज्म इन श्रीलंका, यानी किस तरीके से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद देखने को मिला। मेस्टोरिनिज्म का मतलब होता है जब एक ग्रुप जो है वहां मेजोरिटी में है और वही रूल करने का काम करता है, तो उस तरीके से हम उस शासन व्यवस्था को मेस्टोरिनिज्म का नाम देते हैं। यानी वही ग्रुप जो है हावी है, माइनॉरिटी को किसी तरह अधिकार नहीं दिए गए, वही ग्रुप के लीडर जो होता है वही ग्रुप के मेंबर ही चुनकर जाते हैं, वही जो होता है पॉलिसी बनाने का काम, डिसीजन बनाने का काम, लॉ बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है उस तरह की गवर्नमेंट को मेस्टोरिनिज्म का नाम देते हैं, और यही जो है हमें श्रीलंका में देखने को मिले। इस वजह से क्योंकि यहाँ जो सिन्हाला जो थे वो 74% में थे, मेजोरिटी में थे, और वो अपने आप को समझते थे कि हम मेजोरिटी में हैं तो हमारा ही शासन चलना चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1956 में एक एक्ट पास करके उन्होंने अपने इस सिन्हाला ग्रुप को सुपरमेसी शो करने के लिए श्रीलंका में उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में, जिसके तहत उन्होंने जो सिन्हाला भाषा थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में तब्दील कर दिया कि सिन्हाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। वही जो तमिल थे उनकी भाषा को उन्होंने इग्नोर कर दिया कि तमिल जो होता है ऑफिशियल भाषा नहीं हुई, सिर्फ जो होता है सिन्हाला होगी। दूसरी तरफ उन्होंने जो है सिन्हाला कम्युनिटी के लिए जो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एक तरह से सीटें रिजर्व कर दी, सीटें कुछ आरक्षित कर दी कि उन जैसे ग्रुप के लोगों को, वो भाषा बोलने वाले लोगों को जो है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आसानी से एडमिशन हो जाए, आसानी से उनके लिए जो होता है वो पढ़ सके। वही तीसरी तरफ जो है उन्होंने उसकी जो रिलीजन थी, यानी आपने जाना कि सिन्हाला बिलोंग्स टू बुद्धिज्म रिलीजन, तो उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए और कई सारे नियम बना दिए कि उन धर्मों को प्रचार प्रसार किया जाएगा, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है उन्होंने तमिल कम्युनिटी को कम्प्लीटली इग्नोर किया, कम्प्लीटली उन्हें कोई भी राइट नहीं दी, जिसके वजह से जो तमिल थे वो उनसे खासा नाराज थे। तमिल जो थे वो चाहते थे कि हमें भी सिन्हाला ग्रुप की तरह, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग की तरह हमारी भी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो, हमें भी बराबरी का दर्जा मिले, हमारे भाषा बोलने वाले लोगों के बच्चे भी जो हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में उनके लिए भी सीट रिजर्व हो। लेकिन ऐसा किसी तरह के राइट्स को, ऐसे किसी तरीके के भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज में तब्दील करने के लिए वो नहीं चाहते थे। वहीं इससे जो तमिल ग्रुप था वो नाराज देखने को मिला, वो बार बार जो है अपने इस डिमांड्स को उठाने का काम किया श्रीलंका में कि हमें भी अधिकार मिले, लेकिन सिन्हाला किसी तरह के कोई भी राइट्स देना नहीं चाहते थे। और यही
जो सिन्हला और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में एक तरह से कहें टेंशन का एक तनाव का कारण बना, जिसके वजह से दोनों ही ग्रुप यानी सिन्हला और तमिल जो भाषा बोलने वाले हैं दोनों ही ग्रुप में काफी तनाव बढ़ गया। अब तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने जो है एक अपना ग्रुप तैयार किया और वो उन्होंने एक जो है एक विंग बनाकर जो है एक अलग जो है अपने आप को यह डिमांड करने लगे कि उनके जो है जो लोग हैं जिस रीजन में रहते हैं उनके लिए वह एरिया जो है एक तरीके से एक अलग देश बना ले, उनके लिए एक अलग एलम का उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। खासकर जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो रीजन में रहा करते थे वो, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को उन्होंने कहा कि इसे सेपरेट कर दिया जाए, इसे अलग कर दिया जाए, वो एक अलग स्टेट्स का डिमांड करने लगे। और यही तनाव बढ़ने की वजह से दोनों ही समूह यानी सिन्हला और तमिल दोनों में ही सिविल वॉर देखने को मिले। सिविल वॉर का मतलब एक ही देश के अंदर अगर अलग ग्रुप के बीच में अलग अलग कम्युनिटी के बीच में अगर वॉर होता है तो उसको हम लोग सिविल वॉर का नाम देते हैं। और इस सिविल वॉर में जो है श्रीलंका में दोनों ही तरफ से हजारों लोग मारे गए। अब आपने देखा कि हजारों लोग मारे गए, अंततोगत्वा फाइनली काफी लंबे समय बाद जो है इस तरह के जो राइट्स थे जो ऑफिशियल लैंग्वेज में तब्दील कर दिया गया 1957 एक्ट लाके उसे खत्म कर दिया। आपने मेस्टोनिज्म इन श्रीलंका को समझ लिया। अब हम जो है अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग समझेंगे किस तरीके से एकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी बेल्जियम की सरकार ने किस तरीके से अपने यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन उसको एकोमोडेट करने का काम किया। तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए।